हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एक्सरसाइज 3.1 एलिमेंट्स मैथ है ये। और इसकी ये क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 8th क्लास एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 3 पॉलीगंस। पॉलीगन चैप्टर का नाम है ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। क्या है इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो देखिए और समझिए। विच ऑफ दीज फिगर्स आर पॉलीगन, इनमें से कौन सी फिगर्स पॉलीगन है। इफ नॉट एक्सप्लेन व्हाई, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये बात समझने से पहले, मतलब सम को करने से पहले ये बात समझिए कि पॉलीगन होते कौन से हैं, फिगर कौन सी होती है। तो ये ध्यान रखिए पॉलीगन के केस में, यहाँ पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो चलिए मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि पॉलीगन एक तो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर के बनेगा। लाइन सेगमेंट जैसे कि जैसे कोई सीधी सी स्ट्रेट लाइन होगी, ये तो कर्व आ गई तो ये तो नहीं होगी। जैसे कि अब ये हो गया रेक्टेंगल, लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। ये क्या है, पेंटागन हो गया, है ना। इसी तरीके से जो ये वाली फिगर है ये भी क्या है, पॉलीगन है। और ये भी पॉलीगन होगी, और जो ये है ये भी पॉलीगन होगी, क्योंकि ये भी सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है। इसी तरीके से ये भी पॉलीगन में शामिल होगा, क्योंकि ये भी क्या है, सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। और इसी प्रकार से और भी जो ये फिगर्स आती है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हो, साथ ही साथ क्या हो, इन ये जो क्लोज्ड होनी चाहिए और एक दूसरे को काटती ना हो अंदर या बाहर। अब ये देखिए ये फिगर है, चाहे ये वाली फिगर है, चाहे और कौन सी होगी, अच्छा चलिए ये एक ये वाली फिगर है, तो ये भी सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बनी है ना। तो ये क्या है, ये सारे के सारे पॉलीगन्स है, क्लोज्ड है। मेन बात तो ये है, एक तो ये कि भाई वो लाइन सेगमेंट से मिलके बने हो, फिर ये बात है कि ये क्लोज्ड होने चाहिए। क्लोज्ड यानी कि यहाँ कहीं से भी टुटवा ना हो। जैसे आपने ये इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज की थी ना, जैसे ये वाली जो शेप है, ये वाली है ना, ये वाली शेप, ये वाली शेप के अंदर ये टुटवा है, यहाँ पर बीच में इसके कोई भी लाइनिंग नहीं है। देखिए यहाँ पर ये गैप है, तो अगर ये गैप है तो ये ओपन में आ जाती है, और अगर नहीं तो ये क्या हो जाएगी, पॉलीगन होगी। अच्छा ये देखिए चांद जो बना हुआ है, ये वाला जो चांद है, इसके अंदर ये लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना हुआ, तो फिर ये पॉलीगन नहीं है। मुझे लगता है आपको समझ में तो आ गया ना, चाहे आप कोई भी हो, चाहे ये ऐसे अगर ये लाइन सेगमेंट है तो कोई भी, तो ये पॉलीगन में शामिल होगा, क्लोज्ड भी है। लेकिन आपस में ये काटता ना हो, काटता का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर मैं ये ऐसे बनाया और ऐसे करके ऐसे कर दिया, तो यहाँ पर ये इस जगह पर काट रहा है, ऐसे काटना नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये वाली फिगर है, इसके अंदर ये काट रहा है, तो ये पॉलीगन में शामिल नहीं होगा, ठीक है। लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए इंटीरियर पार्ट के अंदर। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पॉलीगन क्या होता है। तो अब हम इस सम को आगे करते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा पॉलीगन है, और अगर नहीं है तो बताना है कि क्यों नहीं है। तो ये जो है ये पॉलीगन है, क्योंकि ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, जिसमें एक लाइन ये वाली हो गई लाइन सेगमेंट, एक ये लाइन सेगमेंट है, एक ये वाला लाइन सेगमेंट है, एक ये वाला लाइन सेगमेंट है, और एक ये वाला लाइन सेगमेंट है। टोटल कितने हो गए, 2 3 4 5, 5 लाइन सेगमेंट्स है, तो ये पेंटागन हो गया, ठीक है। अब ये वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ अ कर्व,
यहाँ पे ये जो ना गोलाई आई हुई है, देखो ये गोलाई आई हुई है, ये दो तो लैंड सेगमेंट है, ये वाला और जो ये वाला, ये दो तो लैंड सेगमेंट है लेकिन एक कर्व है, बिकॉज आप लिख सकते हैं इसके अंदर, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ अ कर्व विच इज नॉट अ लाइन सेगमेंट, जो कि लाइन सेगमेंट नहीं है। कर्व इसके अंदर भी इस्तेमाल कर लेते हैं लाइन सेगमेंट के तरीके से, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। और ये वाला जो है ये लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये और ये पॉलीगन है, ये दोनों के दोनों पॉलीगन है क्योंकि लाइन सेगमेंट से मिलके बने हुए हैं सिर्फ। अब ये वाला जो है ना पॉलीगन नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज लाइन सेगमेंट्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर इन द इंटीरियर पार्ट, अंदर के पार्ट के अंदर, यहाँ पर जो ये अंदर का पार्ट है यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट काट रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये काट रखा है, यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है ना, काट रहा है ना यहाँ पे, इसलिए ये नहीं होंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, इट इज नॉट अ पॉलीगन एज द लाइन सेगमेंट्स आर इंटरसेक्टिंग इन द इंटीरियर ऑफ द फिगर, फिगर के इंटीरियर पार्ट में काट रहे हैं, इसलिए ये जो है लाइन सेगमेंट, मतलब ये पॉलीगन नहीं है। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से यही बात जो होगी इसके केस में भी होगी, जो ये लास्ट वाला है इसमें भी यहाँ पर ये काट रहा है, देखो यहाँ पर इस जगह पे काट रहा है, इस जगह पर काट रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर भी यही बात होगी और आप यहाँ पर भी यही चीज़ लिखेंगे इसके केस के अंदर, राइट। और जो ये है ये तो ओपन फिगर है, बिकॉज ये पॉली लाइन सेगमेंट से तो मिलके बना हुआ है लेकिन इट इज एन ओपन फिगर, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, इट इज नॉट अ पॉलीगन एज इट इज एन ओपन फिगर, ये एक ओपन फिगर है, क्लोज नहीं है, क्लोज होना जरूरी है पॉलीगन के लिए, ये क्लोज नहीं है, यहाँ से ये ओपन है। अगर मान लेते कि ये जो लाइन सेगमेंट है यहाँ से जुड़ा हुआ होता है इसके साथ, तो ये पॉलीगन हो जाता, फिलहाल नहीं है ऐसा, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। Is that clear? Good. तो ये थे छः पार्ट जिसमें आपसे पूछा हुआ था कि ये पॉलीगन है या कि नहीं। पहला पॉलीगन है, तीसरा भी पॉलीगन है, दूसरा नहीं है क्योंकि ये कर्व से मिलके बना है, कर्व जो ये ऐसे गोलाई में आई हुई है जो कि लाइन सेगमेंट नहीं है। और जो ये वाला है ये लाइन सेगमेंट से मिलके तो बना है लेकिन लाइन सेगमेंट्स इसके इंटीरियर पार्ट में इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है आपस में, यही बात छठे के अंदर भी है। और ये तो ओपन फिगर है, पॉलीगन के होने के लिए क्लोज फिगर होना जरूरी है। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट इस जो एक्सरसाइज का। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।